हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल उड़ता पैसा। दोस्तों, आज जिस टॉपिक हम आपके लिए लेके आए हैं, उस टॉपिक में हम थोड़ा सा एफर्ट डाल रहे हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमें टैक्स सेविंग करते वक्त किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और टैक्स सेविंग करते वक्त हमें फाइनली करना क्या चाहिए, हमें किस चीज में टैक्स सेविंग करनी चाहिए। हमारा ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन होता है, हर साल दोबारा दोबारा आता है, हर साल हमें इस क्वेश्चन का आंसर करना पड़ता है, ढूंढने के लिए ऑप्शंस देखनी पड़ती हैं और जब बिल्कुल समय आ जाता है टैक्स सेविंग करने का तो चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि हम गलती घर बैठते हैं, जो हमें इन्वेस्ट नहीं भी करना होता हम वहां भी इन्वेस्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, हमारा आज का क्वेश्चन होपफुली आपको हेल्प करेगा इस चीज को सॉल्व करने के लिए कि जब टैक्स सेविंग करने की बारी आती है तो हमें फाइनली टैक्स सेविंग किस में करनी चाहिए। ईपीएफ, वीपीएफ, पीपीएफ, ईएलएसएस, यूएलएफ, ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं मार्केट के अंदर, तो इनमें से फाइनली ये कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हमें ऑप्ट करना चाहिए सो दैट हम एक इफेक्टिव टैक्स प्लानिंग के साथ आगे बढ़ सकें। पे आगे बढ़ने से पहले हमारी आपको एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आते हैं और आप चाहते हैं कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में पता लगता रहे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन आती रहे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ, व्हाट वी नीड टू डू फॉर टैक्स सेविंग। दोस्तों, जैसे कि हमने देखा है मार्केट में टैक्स सेविंग के लिए बहुत सारी ऑप्शंस हैं, जैसे ही हम सैलरी में जाते हैं हमारे पास ईपीएफ आ जाता है, हमारे पास वीपीएफ की ऑप्शन भी होती है, जो लोग बिजनेस करते हैं उनके पास पीपीएफ की ऑप्शन होती है, ईएलएसएस तो मार्केट में है ही है म्यूचुअल फंड के साथ ही साथ यूलिप्स भी है और सारे ही हमने देखा है ऑप्शंस अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे बहुत ही हेल्दी रिटर्न्स भी दिखाते हैं। तो दोस्तों, इसमें से हमारे लिए कौन सा बढ़िया ऑप्शन है और हमारे टैक्स प्लानिंग कैसे होने चाहिए, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं कि जब हमारे पास ये ऑप्शंस हैं ईपीएफ, पीपीएफ, वीपीएफ जैसी ऑप्शंस हैं, तो ईएलएसएस और या फिर यूलिप या फिर फिक्स डिपॉजिट जो कि टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट होते हैं, इसमें हमारा कितना शेयर जाना चाहिए, कितने परसेंटेज से हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर जहां हम बात करते हैं ईपीएफ, वीपीएफ ये सारे फंड्स की, तो अगर हमारे पोर्टफोलियो का 30-40% स्टेक अगर हम ईपीएफ वीपीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो एक बहुत ही अच्छा अमाउंट है। बेयर मिनिमम किसी भी टाइम पे हमें अपने पोर्टफोलियो का 30-40% इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए और इसके बावजूद अगर आपके पास आपका पोर्टफोलियो में कुछ और स्कोप रह जाता है टैक्स सेविंग के लिए तो उसमें आप ईएलएसएस या यूलिप्स को ऑप्ट कर सकते हैं। ये आपको एक बहुत ही हेल्दी पोर्टफोलियो की तरफ लेके जाएगा। दूसरी चीज दोस्तों, हमें हर टाइम जब भी हम अपने पोर्टफोलियो की प्लानिंग करते हैं हमें उस टाइम पे ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा इक्विटी का एक्सपोजर कितना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम ईएलएसएस या यूलिप में इन्वेस्ट करते टाइम हमारा इक्विटी के एक्सपोजर को ओवर ब्रीच कर रहे हैं। अगर हम अपने इक्विटी के एक्सपोजर को ओवर ब्रीच कर रहे हैं तो हमें उसे कम रखना चाहिए, 30-40% ईपीएफ, वीपीएफ, पीपीएफ की तरफ जाना चाहिए जिससे हमारे पोर्टफोलियो को एक बैलेंस अप्रोच मिलती है। दोस्तों, यहां पे मैं कहना चाहूंगा कि इट इज इंपॉर्टेंट टू डू अ टैक्स प्लानिंग बट इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू डू योर एसेट एलोकेशंस करेक्टली। आपको अपनी एसेट एलोकेशंस को बहुत ही करेक्टली मेजर और बहुत ही करेक्टली प्लेस करने की जरूरत है रादर देन दैट आपको हर साल टैक्स प्लानिंग के बारे में सोचने की। अगर आपकी एसेट एलोकेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से है तो आपको टैक्स प्लानिंग की कभी चिंता नहीं करनी पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। एक चीज देखिए दोस्तों, यहां पे हम इस चीज के बारे में बात करेंगे, आप जब सैलरीड हो जाते हैं तो हर साल आपकी सैलरी बढ़ती है, यानी सैलरी के साथ आपका ईपीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन भी हर साल बढ़ रहा है। और अगर आप 20-30% के टैक्स स्लैब में चले जाते हैं
तो आपका ईपीएफ ही आपके 80C की 1,50,000 की कंट्रीब्यूशन को कंप्लीट कर देता है। तो यानी कि आपको टैक्स सेविंग अलग से करने की जरूरत ही नहीं होती है। तो आप इस सारी चीज को ध्यान रखते हुए किसी भी टाइम पे कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर आप बाय कर रहे हैं तो आप इस चीज को ध्यान रखिए कि अगले 5 साल बाद जब आप 20% की सैलरी टैक्स ब्रैकेट को हिट करेंगे तो आपको अलग से ईएलएसएस में कुछ भी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस सारी चीज से बचने के लिए मान लीजिए हम अभी अभी इंप्लॉय हुए हैं और हमारी सैलरी अभी कम है, हम 5% के टैक्स लाभ में आते हैं, 10% के टैक्स लाभ में आते हैं और हमें कुछ इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, तो दोस्तों इसके अलग अलग तरीके हैं। अब उनमें से कौन सा तरीका आपको बेटर सूट करता है, कौन सा ऑप्शन आपके लिए अच्छा है, वो आपको चूज करना है। उसके लिए आप हम पे डिपेंडेंट मत हो कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेटर है। हम आपके पास बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन लेके आ सकते हैं जो कि आपका टैक्स सेविंग बचा सकते हैं, इन कंसिडरेशन की फ्यूचर में आपका सैलरी क्या होगा इस चीज को मेजर करते हुए। तो दोस्तों जब हम इसकी बात करते हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाती हैं। मान लीजिए आप अपने टैक्स सेविंग के लिए अभी आप 10% की भी टैक्स ब्रैकेट को टच नहीं किया है, लेकिन आप 80C में 1.5 लाख का ऑप्शन का पूरा पूरा फायदा उठाना चाहते हैं। तो आप 1.5 लाख, अगर आपका इक्विटी का एक्सपोजर अभी कम है तो आप 1.5 लाख ईएलएसएस में डाल सकते हैं। ईएलएसएस में डालते हैं और मान लीजिए आप इसे 3 साल तक करते हैं, क्योंकि ईएलएसएस में डालते वक्त इसका 3 साल का लॉक इन होता है। तो यानी कि 4th ईयर में जो 1st ईयर का आपका 1.5 लाख है वो फ्री हो जाता है। आप चाहें तो उसी पैसे को रिडीम करें और दोबारा इन्वेस्ट कर दें, तो उससे आपके इक्विटी के एक्सपोजर पे एक होल्ड लग जाता है, एटलीस्ट वो लॉक इन पीरियड के साथ नहीं है, तो आपके पास हमेशा पैसे की लिक्विडिटी बनी रहेगी। दूसरी ऑप्शन ये भी है दोस्तों कि आप चाहें तो अपना 1.5 लाख रुपया आप ईपीएफ या पीपीएफ या वीपीएफ में कंट्रीब्यूशन बढ़ा के आप अपना पूरा कर सकते हैं और 30-40% का पोर्टफोलियो अपना वैसे का वैसा मेंटेन रख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक चीज समझने की जरूरत है, जैसे ही हमारा पोर्टफोलियो मेच्योर होगा यानी कि हम रिटायरमेंट एज की तरफ जाएंगे, वहां पे हमें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की जरूरत पड़ेगी, ना कि म्यूचुअल फंड के एग्जैक्ट वैल्यूएशन की जरूरत पड़ेगी। तो इस करके आपको अपने पोर्टफोलियो को धीरे धीरे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की तरफ लेके जाना होता है, जबकि म्यूचुअल फंड में कभी भी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट नहीं होता दोस्तों, ये हमेशा उस टाइम की मार्केट वैल्यूएशन होती है। तो इसलिए जैसे जैसे आपका पोर्टफोलियो मैच्योरिटी की तरफ बढ़ता है आप अपने पोर्टफोलियो को चेंज करके रेकरिंग इनकम वाले प्रोडक्ट्स की तरफ लेके जाना शुरू करते हैं, जिससे आपको हेल्प मिलता है। दोस्तों यहां पे मैं ये भी कहना चाहूंगा, यूलिप आज की डेट में मार्केट में बहुत ही ज्यादा बिकते भी हैं और बहुत ही ज्यादा लिक्विडेटिव ऑप्शन भी है, लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो में 20-30 साल का स्कोप अभी पड़ा है तभी आप यूलिप्स की तरफ जाएं, अदरवाइज यूलिप आपके पोर्टफोलियो में एक लिक्विडिटी क्रंच ही क्रिएट करता है, आप उसमें से पैसा नहीं निकाल पाते हैं या कुछ निकाल पाते हैं उसकी वजह से एक लिक्विडिटी क्रंच आता है। तो आपके पोर्टफोलियो की बैलेंसिंग हमेशा आपके हाथ में रहती है, ऑप्शन हम जरूर आपको बता सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ ऑप्शन जिनकी वजह से आप अपने पोर्टफोलियो को डिफाइन कर सकते हैं कि आप कितने वेटेज किस प्रोडक्ट को देना चाहते हैं और अकॉर्डिंगली उस प्रोडक्ट को अपने पोर्टफोलियो में बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक बात जो कि हमने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है वो ये है कि आपके पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन की ज्यादा इंपॉर्टेंस है रादर देन आपकी टैक्स सेविंग की। अगर आपकी एसेट एलोकेशन आपको पता है तो आप ये क्वेश्चन कभी भी किसी से नहीं पूछेंगे कि आपको इस साल किस में इन्वेस्ट करना है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं, नीचे लिखे हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं हम आपकी सहायता करें पोर्टफोलियो बनाने में या एसेट एलोकेशन में,
तो प्लीज नीचे लिए हुए लिंक पे क्लिक करें और हमें अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, हम आपसे जरूर कॉन्टेक्ट करेंगे। थैंक यू।